मैं आज पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, एक साल हुए उनको आए हुए दिल्ली में, और एक साल के अंदर दिल्ली की कानून व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, अगर कोई पूछ ले दिल्ली के अंदर कितने थाने, उनको पता भी नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, आप तो वैसे जल बोर्ड के काम के लिए नौका विहार करने निकल जाते हैं, फ्लड के काम के लिए निकल जाते हैं पब्लिक में, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आप कितनी बार पब्लिक में गए हैं, कितनी बार आप जनता के बीच गए या दिल्ली के किसी थाने में गए और वहां आपने किसी फरियादी से बात करके पूछा हो कि पिछले एक साल से जिस दिल्ली को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, उस दिल्ली में रहकर ऐ दिल्ली वासियों आपको कितना सेफ फील हो रहा है मुझे बताइए। कितनी बार आपने ये पूछा, कितनी बार आपने थानों का दौरा किया है? एलजी साहब, आपको तो शायद पता भी ना हो, दिल्ली के अंदर विधानसभा स्तर के थानों की समितियां भंग की गई। एमएचए ने कहा रिंस्टेट करो, वो रिंस्टेट भी नहीं हुई, और सांसदों को, आपके सांसदों को, बीजेपी के सांसदों को दिल्ली की कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटियों को चेयर करते हैं थाना लेवल कमेटियों, और वो इसलिए कि उन सबके मुखिया आप हैं, आपको भी दिल्ली की कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। मैं एक साल का डाटा बताता हूं एलजी साहब आपको, जब से आप एलजी बने हैं दिल्ली के अंदर, और ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी का डाटा कह रहा, एनसीआरबी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की एजेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है रोजाना दो बलात्कार दिल्ली के अंदर हो रहे। बताइए आप क्या कर रहे, आपको नींद कैसे आ रही है? दिल्ली के अंदर जो घटना हुई आज और इसके पहले की जो घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के प्रति अपराध की जो घटनाएं हुई हैं, महिलाएं डरी हुई, हमारी माताएं बहनें सहम कर सवाल पूछ रही हैं, केजी साहब वो दिन कब आएगा जब आप अपनी सियासी नींद से जागेंगे और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिला पाएंगे? रोजाना दो रेप हो रहे दिल्ली के अंदर, आपके पास इसको रोकने का ना कोई उपाय है, ना आपने इनको रोकने के प्रयास किए, इसका कोई प्रमाण है आपके पास?